द वेट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज है 5 जून 2020 और हम डिस्कस करने वाले हैं 5 जून के करेंट अफेयर्स के बारे में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। मासूम बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस आक्रमकता के शिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून 2 जून 3 जून और 4 जून। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 4 जून। जो मासूम बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय आक्रमकता के शिकार दिवस जो है, ये दिवस यहाँ से हटा दीजिए, आक्रमकता के शिकार दिवस जो है 4 जून को हर एक साल मनाया जाता है। एक्चुअली ये हुआ स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, तो आप देख रहे हैं नाम में कि मासूम बच्चों का आक्रमकता के शिकार, मतलब देखते हो कि बच्चों पर जो है बहुत तरह के जुल्म कुछ लोग करते हैं, मतलब उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं। तो उन सब के बारे में लोगों को बताने के लिए, जागरूक करने के लिए और इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो है 4 जून को जो है, जो UN है, संयुक्त राष्ट्र है, उसने जो है 4 जून को इस दिन को मनाने का निर्णय लिया है। अगर जून के बाकी दिनों की बात करें तो 1 जून को जो है वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है, मतलब विश्व दुग्ध दिवस। 2 जून को जो है तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 3 जून को जो है विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। हारून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? अनीस कपूर, रामेश्वर ब्रुता, सुदर्शन पटनायक और इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अनीस कपूर। अनीस कपूर की जो टोटल जो मतलब आर्ट्स की जो सेलिंग हुई थी पिछले साल वो 108 करोड़ से ज़्यादा की हुई थी और इसका आंसर इन्हें जो है हारूनिया आर्ट लिस्ट में लगातार दूसरे साल 2019 में भी इन्होंने ही टॉप किया था और 2020 में भी इन्होंने ही टॉप किया है। वहीं पे दूसरे स्थान पे जो है वो रामेश्वर ब्रुता है और इन्हें जो है इस लिस्ट में दूसरा स्थान मिला है। और सुदर्शन पटनायक है, तो सुदर्शन पटनायक एक सैंड आर्टिस्ट है, ये कहाँ से है तो ओडिशा से है, ये ओडिशा से है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ने कितनी राशि की मंजूरी दी है? 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 40,000 करोड़ और 30,000 करोड़। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 50,000 करोड़। जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.1 के लिए जो है 50,000 करोड़ की राशि की मंजूरी दी है। ये जो राशि है ये जो है सब ट्रायो स्कीम है, जिसमें 3 स्कीम है, जिसमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जिसको PLI शॉर्ट में बोला गया है, और ये जो है ये लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स को दिया जाएगा। वहीं पे इस स्कीम में जो है 40,000 रुपये जो है 40,000 करोड़ रुपये जो है इस SPECS के लिए रखा गया है। SPECS मतलब स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड सेमी कंडक्टर्स, इसके लिए जो है इसमें मिली 40,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। और तीसरा जो है मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, जिसको EMC बोला गया है, 2.0 स्कीम। तो ये जो 3 स्कीम है इसके तहत जो है टोटल 50,000 करोड़ रुपये सरकार ने दिए हैं। अच्छा, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है उनका उनके मिनिस्टर कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है हमारे। कोरोना वायरस के खिलाफ किस राज्य ने 1 महीने का जागरूकता अभियान शुरू किया है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और गोवा। इसी ऑप्शन है ऑप्शन बी केरल। केरल ने जो है एक अभियान शुरू किया है, जागरूकता अभियान, मतलब लोगों को जागरूक किया जाएगा। इन्होंने फिर से एक जागरूकता अभियान लॉन्च किया है, इससे पहले भी केरल ने बहुत सारे अभियान लॉन्च किए और अब इन्होंने जागरूकता अभियान लॉन्च किया, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा कि कोरोना वायरस से कैसे बचना है और इसे कैसे हमें मतलब अपने लाइफ से दूर ले जाना है, मतलब कोरोना वायरस को कैसे रोकना है और इसे कैसे बचना है, इसके बारे में जागरूक किया जाएगा लोगों को। वहीं पर गोवा में जो होने वाला जो ये था 36वां जो है राष्ट्रीय खेल था, उसको भी क्या किया गया है, उसको रोक दिया गया है अनिश्चित काल के लिए। केरल की बात करें तो आप मैप पे देख सकते हैं, केरल ये यहाँ पे 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ था, राजधानी केरल के राज्यपाल जो CM है उनका नाम PVJN है और ये केरल है मैप पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, और राजधानी केरल की तिरुवनंतपुरम है। किस राज्य ने बिना इंटरनेट वाले छात्रों के लिए फर्स्ट बेल नामक TV चैनल लॉन्च किया है? झारखंड, केरल, उत्तर प्रदेश और मेघालय। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी केरल। केरल ने जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है केरल में जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, तो उसके लिए केरल ने जो क्या किया कि एक फर्स्ट बेल नाम का एक TV चैनल लॉन्च किया, जिसमें बच्चों को जो है पढ़ाया जाएगा, मतलब वहाँ पे स्टडी मटेरियल्स अपलोड किया जाएगा और बच्चे जो है TV के सामने बैठ के उसको पढ़ सकते हैं। ये किसने किया है? केरल ने किया है। वहीं पर मेघालय को जो है जल जीवन मिशन के तहत जो है कितना 175 करोड़ रुपये की राशि जो है दी गई है। उत्तर प्रदेश ने जो है अपने 800 किलोमीटर के रोड को जो है
हर्बल रोड बनाने की मंजूरी दी है। और झारखंड की सरकार ने जो है झारखंड बाजार नाम का एक ऐप लॉन्च किया है, जिसमें आप इसेंशियल गुड्स की जो है डिलीवरी अपने घर पे करवा सकते हैं। केरल के अन्य अभियानों की बात करें तो ब्रेक द चेन अभियान इन्होंने कोरोना वायरस के को रोकने के लिए किया था, और फिर कोरोना वायरस को कैसे रोका जाए, उसको कैसे जागरूक किया जाए लोगों को, तो ब्रेक द चेन कठोर अभियान केरल ने ही शुरू किया था। उसके बाद रैपिड स्क्रीनिंग के लिए जो है इन्होंने तिरंगा पहल की शुरुआत की थी। इसमें क्या था कि एक गाड़ी थी और वो जो है गाड़ी जो है घूम घूम के जो है लोगों की स्क्रीनिंग कर रही थी, और उस गाड़ी के ऊपर तिरंगा का पिक्चर बना हुआ था, इसलिए इसको तिरंगा पहल नाम दिया गया। उसके बाद कर्मी बोट रोबोट भी केरल में बनाया गया था, जिसको ट्रिपल आई टी केरल के द्वारा बनाया गया था। और ये क्या था, एक रोबोट था जो कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के लिए जो है जरूरत चीज़ें लेके जाता था। उसके बाद आयु रक्षा क्लिनिक भी केरल में शुरू किया गया था, और के फोन नाम का एक फ्री इंटरनेट प्रोजेक्ट भी केरल ने शुरू किया, जिसमें दिसंबर 2020 से जो है क्या होगा कि केरल के लोगों को पूरे लोगों को जो है राज्य जो है फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, और ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य है। और पेरियार वन्यजीव और शांत घाटी भी केरल में है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है, केरल से रिलेटेड है बहुत ज़्यादा। करेंट अफेयर्स में आते हैं, ये क्रिकेटर रियाज शेख की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई है, वह किस देश के रहने वाले थे? भारत, पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। केरल जो क्रिकेटर रियाज शेख ये जो है 51 ईयर्स के थे, और ये पाकिस्तान के एक क्रिकेटर थे जिनकी जो है कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई है। पाकिस्तान के बारे में पता है कि राजधानी इसकी इस्लामाबाद है, और पीएम का नाम इमरान खान है। और अभी जो है अमेरिका ने जो है पाकिस्तान को जो है $60 लाख देने की घोषणा की है, किस लिए? तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। और वर्ल्ड बैंक ने जो है इसको 50 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है, किसको? पाकिस्तान को, किस लिए? तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। इप्सिता दास गुप्ता को किस कंपनी का भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है? अमेजन, एप्पल, सैमसंग और वीवो। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एप्पल। एप्पल ने जो है इप्सिता दास गुप्ता, जो कि इससे पहले हॉट स्टार में थी, हॉट स्टार की ये मैनेजर थी वहाँ पे, और इन्होंने हॉट स्टार से उठा के जो है एप्पल ने इन्हें अपना कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। अगर बात करें एप्पल की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुआ था, और अभी जो सीईओ है वो टॉम कुक है, और इसके जो फाउंडर थे वो 3 फाउंडर थे, एक तो स्टीव जॉब्स थे, स्टीव वोजनिक थे, और रोनाल्ड वैन थे इसके फाउंडर्स में। मिलनी आपको एप्पल के फाउंडर में मिलनी सब जगह आपको स्टीव जॉब्स देखने को मिलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टीव वोजनिक देखोगे, लेकिन यहाँ पे तीसरे फाउंडर भी थे जिनका नाम था रोनाल्ड वैन। और हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो कैलिफोर्निया, यूएसए में। किस कंपनी ने शून्य संपर्क राइड लॉन्च किया है? उबर, ओला, रेड बस और इंडियन रेल। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उबर। जो हमारी जो कैब शेयरिंग कंपनी है उबर, उसने जो है एक शून्य संपर्क राइड लॉन्च किया है। इसमें क्या हो कि जो कस्टमर के गाड़ी में बैठने से पहले और गाड़ी से उतरने के बाद जो है गाड़ी को सैनिटाइज किया जाएगा, जो कैब होगी उसको सैनिटाइज किया जाएगा, और ये जो पूरा का पूरा जो राइड होगा वो शून्य संपर्क होगा, मतलब इसमें जीरो कनेक्टिविटी होगी, मतलब कस्टमर और ड्राइवर के बीच में। पेमेंट भी जो है वो ऑनलाइन ही करेंगे, वो किसी बेसिक करें या क्रेडिट कार्ड से या किसी भी तरीके से, तो वो कैश भी नहीं लेंगे, पेमेंट भी ऑनलाइन ही करेंगे। तो ये पूरी की पूरी शून्य संपर्क राइड होगी। किसने लॉन्च किया है? उबर ने। उबर की बात करें तो सीईओ का नाम दारा खुरस्वासी है, फाउंड इसकी जो स्थापना हुई थी मार्च 2009 में हुई थी, और हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया यूएसए में है। किस बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है? मुंबई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, सूरत पोर्ट और इनमें से कोई नहीं। उसके ऑप्शन है ऑप्शन बी, कोलकाता पोर्ट। जो 1 जून को जो है जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, तो वहाँ पे उन्होंने निर्णय लिया कि अब जो है फाइनली कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा जाएगा। और कोलकाता पोर्ट जो है ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही बनाया गया था, और इंडिया का जो है बहुत ये जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट में ये आता है, मतलब बहुत पुराना पोर्ट है ये कोलकाता पोर्ट। और कहाँ पे है ये? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। अच्छा, पश्चिम बंगाल से आपको याद आएगा कि पश्चिम बंगाल में और ओडिशा में भी जो तूफान आया था, उस तूफान का नाम क्या था? तो उस तूफान का नाम था अम्फान। और अभी जो पंजाब, अभी सॉरी महाराष्ट्र और गुजरात में जो तूफान आया था उसका नाम है निसर्ग। तो इस दोनों तूफान का नाम आपको याद रखना है। अम्फान कहाँ आया था? तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, और निसर्ग कहाँ आया था? तो महाराष्ट्र और गुजरात में। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी कंट्रीज ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020 में किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? अमेरिका, सॉरी ए भारत, बी अमेरिका, सी जापान और डी इजराइल। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका को जो है इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है। किसमें? तो कंट्रीज ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम, मतलब यहाँ पे जो है स्टार्टअप के लिए किस कंट्री में कितना ज़्यादा अच्छा इकोसिस्टम है, वहाँ पे कितनी जल्दी उनको
क्लियरेंस मिल जाते हैं, तो उस मामले में अमेरिका जो है पूरे कंट्री में पहले स्थान पे है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, तो स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। किसने पैन इंडिया रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी लॉन्च किया है, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, आर के सिंह और रविशंकर प्रसाद। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी आर के सिंह। आर के सिंह जो है जो इंडिपेंडेंट चार्ज में है इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर में, और इंडिपेंडेंट चार्ज है ये, मतलब स्वतंत्र प्रभाव इनको दिया गया। और इन्होंने, मैं पिक्चर देख रहा था, ये आर के सिंह है, पूरा नाम राजकुमार सिंह है, और इन्होंने जो है पूरे पैन इंडिया रियल टाइम मार्केट मतलब आरटीएम इन इलेक्ट्रिसिटी लॉन्च किया है। इसमें क्या है कि जो भी जो जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, जो खरीद जो सेलर है और बायर है इलेक्ट्रिसिटी के, वो उन दोनों के लिए जो है हर एक दिन जो है 30 मिनट की एक विंडो खुलेगी, और इस विंडो उस 30 मिनट के दौरान जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की परचेज और सेलिंग कर सकते हैं, जिसमें 15 मिनट फिक्स रहेंगे, 15 मिनट सेलर के लिए और 15 मिनट बायर के लिए। तो इस 15 मिनट में जो सेलर है वो अपनी बिड लगा सकता है, मतलब अपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है दाम बता सकता है कि मुझे इतना में बेचना है, और 15 मिनट में जो है जो बायर है वो क्या कर सकता है कि अपने बिड मतलब कि वो जो है दाम फिक्स कर सकता है कि मुझे जो है इतने में जो है इस अपनी इलेक्ट्रिसिटी को बेचना है। तो ये 15 मिनट का जो है विंडो खुलेगा, और इस दौरान जो है जो बायर है और सेलर है वो अपने इलेक्ट्रिसिटी की खरीद बिक्री कर सकते हैं। और इसे किसने लॉन्च किया, तो आर के सिंह ने। आर के सिंह कौन है, तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं आर के सिंह, और ये इंडिपेंडेंट चार्ज में है इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्ट्री में। किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन किस तरह के किसानों के लिए लॉन्च किया गया है, पीसी कल्चर, फ्रूट, डेयरी और फ्लावर्स। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी डेयरी। जो डेयरी डेयरी फार्मर्स है तो उनके लिए जो है क्रेडिट उनके क्रेडिट फ्लो को जो है सुनिश्चित करने के लिए कि उनको कोई पैसे की कमी ना हो, तो उसके लिए जो है किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन लॉन्च किया गया है, जिसमें 1.5 लाख रुपये तक का जो है अनुदान मतलब जो है लोन उन्हें दिया जाएगा, ताकि जो उन्हें जो है पैसे की कमी ना हो और वो अपना जो है काम शुरू कंटिन्यू रख सके। तो ये किसके लिए, डेयरी फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। दुनिया के पहले प्लास्टिक फ्री पीपीई शील्ड किसने बनाया है, WHO, ए प्लास्टिक प्लानेट, UN और ICMR। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ए प्लास्टिक प्लानेट। ए प्लास्टिक प्लानेट ने जो है एक क्या किया है कि एक प्लास्टिक फ्री शील्ड बनाया है, आप देख सकते हैं दुनिया की पहली प्लास्टिक फ्री शील्ड है ये, और यहाँ पे लिखा हुआ प्रोटेक्ट योर सेल्फ और प्रोटेक्ट आवर प्लानेट। एक्चुअली क्या है कि ये जो है पूरी की पूरी लकड़ी से बना हुआ एक शील्ड है, लकड़ी का ज़्यादातर यूज किया गया, और इसमें प्लास्टिक का ना मतलब यूज नहीं है। ये प्लास्टिक यहाँ पे देख सकते हैं, द प्लास्टिक फ्री यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए फिर से, ये प्लास्टिक फ्री लिखा हुआ है। और ये क्या है कि जब आप इसको यूज करके जब आप डस्टबिन में डाल देते हो, तो 3 दिन के बाद ये जो है अपने आप जो है खुद को ये डिस्ट्रॉय कर लेता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। इससे क्या हुआ कि अभी तक जो भी शील्ड बनते हैं, ये शील्ड होते गए होते, एक्चुअली जो है डॉक्टर्स हैं या जो लोग बाहर निकल जिनको कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में ज़्यादा आना है, उनके लिए शील्ड बनाया जाता है ताकि उन्हें जो है कोरोना से संक्रमण न होने हैं। तो ये जो शील्ड बनती थी अभी तक प्लास्टिक की बनती थी, तो जो प्लास्टिक ये प्लास्टिक फ्री प्लानेट है उसने जो है बिना प्लास्टिक का क्या किया कि एक दुनिया की पहली पीपी शील्ड बना दी है जो डॉक्टर्स और नर्सों की रक्षा करेगा, और ये 3 दिन में डिस्ट्रॉय हो जाएगा अपने आप। किसे पापुआ न्यू गिनी में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, सुशील कुमार सिंघल, रवीश कुमार, पी के नायर और पी कुमारन। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सुशील कुमार सिंघल। अब देखिए ये उच्चायुक्त है, अभी जो है पी के कुमारन को जो भी सिंगापुर में क्या किया गया है, सिंगापुर में इंडिया का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, वहीं पे पी के नायर को जो है नाइजर में जो है भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, और रवीश कुमार को जो है फिनलैंड में जो है इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रवीश कुमार को फिनलैंड में, पी के नायर को नाइजर में, और पी कुमार को सिंगापुर में। अच्छा, ये जो उच्चायुक्त होता है, उच्चायुक्त को हम बोलते हैं हाई कमिश्नर, HC हाई कमिश्नर, और जो राजदूत होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एम्बेसडर। तो ये जो एम्बेसडर होते हैं और हाई कमिश्नर होते हैं, वो अंतर क्या है, जो भी कंपनी जो भी देश कभी ना कभी ब्रिटिश मतलब जो UK है इसके अधीन रहा, तो वहाँ पे जो है हाई कमीशन होती है इंडिया की, मतलब जो भी कॉमनवेल्थ कंट्री है वहाँ पे जो है इंडिया के हाई उच्चायुक्त होते हैं, मतलब हाई कमीशन होती है। और ऐसे कंट्री जो UK के अधीन कभी नहीं रहे हैं, जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका में जो है भारत के ऊंचाई मतलब राजदूत होते हैं या एम्बेसडर होते हैं। अमेरिका कभी भी ब्रिटेन के अंदर नहीं रहा है, वो कॉमनवेल्थ कंट्री में नहीं आता है, तो वैसे कंट्री में जो है इंडिया के एम्बेसडर होते हैं, राजदूत होते हैं। और जो कंट्री UK के अंतर्गत मतलब उसके अधीन रहे उस वहाँ पे इंडिया का हाई कमीशन होता है। तो अभी पापुआ न्यू गिनी में सुशील कुमार सिंघल को बनाया गया है। अगर पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पापुआ न्यू गिनी है, और ये पहले UK से पहले ये ऑस्ट्रेलिया के मतलब अंडर में था, ऑस्ट्रेलिया का अधीन था ये। कैपिटल इसका पोर्ट मॉर्सवे है, करेंसी इसका पापुआ न्यू गिनी किना है, और प्राइम मिनिस्टर का नाम जेम्स मेरेफ है।
आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हर गांव में एक स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान की सरकार ने जो है एक घोषणा की है जिसके तहत वो जो है हर एक गाँव में एक स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करेगी। ये स्वास्थ्य मित्र होंगे किस लिए? तो एक्चुअली क्या है कि अभी जो कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण जो है गांव में जो है लोगों की मतलब सूचना देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये जो है राजस्थान सरकार एक स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करेगी। और राजस्थान के अगर कुछ हालिया जो अभियानों की बात करें या करेंट अफेयर्स की, तो आई सेहत ऐप जो है इसमें जो है डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए जो है राजस्थान की सरकार ने लॉन्च किया था। उसके बाद राजस्थान जो है पर्यावरण संबंधी अपराधों में पहले स्थान पर है दुनिया में, मतलब इंडिया के 40% से ज़्यादा जो पर्यावरण संबंधी अपराध है वो इंडिया राजस्थान में है। उसके बाद रैपिड टेस्टिंग शुरुआत करने वाले पहला स्टेट कौन है? राजस्थान है। उसके बाद राजस्थान ने जितने भी सोल्जर्स हैं उनके लिए जो है फ्री बस सेवा शुरू कर दी है। स्माइल इनिशिएटिव मतलब सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग लर्निंग इंगेजमेंट, ये जो स्माइल इनिशिएटिव है ये भी राजस्थान ने शुरू किया था। और राजकोप सिटीजन ऐप भी जो है ई पास देने के लिए, जो ई पास देने के लिए राजकोप सिटीजन ऐप भी जो है राजस्थान ने शुरू किया था। और यहाँ पे जो अभी जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं जो राजस्थान के हाई कोर्ट के, तो उनका नाम है इंद्रजीत मोहंती। और राजस्थान के जो सीएम है उनका नाम है अशोक गहलोत और गवर्नर का नाम कलराज मिश्र है। दोस्तों वीडियो यहीं पे खत्म होता है, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स, कुछ नए टॉपिक्स, तब तक के लिए धन्यवाद।